Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आपको उर्दू में भी जब हम सुनते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और जब आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं और उसके अलावा एज अ मीडिया पर्सन मीडिया के अंदर आपकी बेइंतहा खिदमात हैं इसके अलावा सोशल वर्क में भी हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जावेद जब्बार साहब सर कराची की बात करने हम मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स के पास जा रहे हैं एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी कॉस्मोपॉलिटन सिटी इंतजामिया तौर पे इसको कैसा होना चाहिए था कि सही कंट्रोल रहता एक कि एक बुनियादी मरकजी उसूल पर अमल होना चाहिए था कि यूनिटी ऑफ कमांड जिसे कहते हैं कि एक दायरे के मातहत सारी इंतजामिया हो कराची की जो भी जिम्मेदारी हो चाहे वो पानी के सिलसिले में हो सड़कों के घरों के ईंधन की सप्लाई के वगैरह वगैरह एक सुप्रीम अथॉरिटी हो उसके बिल्कुल बरक्स कराची की एवोल्यूशन गुज़िश्ता 25-30 साल में बिलखसूस बहुत मनफी हुई है एक बिल्कुल तकसीम शुदा किस्म की एक दायरा बन गया है जिसमें कम से कम 10 क्या बल्कि 12 मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ और इदारे मौजूद हैं KPT से KMC, MDA से KDA और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से DHA, DHA से कैंटोनमेंट बोर्ड और एक नहीं कई कैंटोनमेंट बोर्ड्स और फाइनली आप बद इंतज़ामी का हाल ये देखें कि गुज़िश्ता मर्दम शुमारी में हैरान कुन बात ये हुई कि मलीर और कुरंगी जो एन कराची के कैसे कहते हैं जगुलर वेन है बुनियादी हिस्सा है उसको गिना गया कि नहीं जी ये मेट्रोपॉलिटन कराची के हिस्से ही नहीं है ये तो रूरल कराची के हिस्से हैं ये मजाक था कराची के साथ तो जब आप कराची की जिम्मेदारी को इस तरह तकसीम कर दें और कोई क्लैरिटी और यूनिटी ना हो तसव्वुर में और हुक्मरानी में तो फिर यही गफलत होगी मिस गवर्नेंस होगी इतने बड़े पैमाने पर चाहे वो गिलाजत के शक्ल में नज़र आया आजकल जो हमारी सड़कों का हाल है और चाहे नक्कासी पानी और इस बद इंतज़ामी की वजह से जराएम पर मबनी माफियाज जिन्होंने ज़मीन पानी इवन सिक्योरिटी के मुख्तलिफ शोबों में अपने आप को मुसल्लत कर दिया है अवाम पर जावेद जब्बार साहब जो हैं इज़ द ट्रू एम्बेसडर ऑफ कराची तो ये आइडेंटिटी थी कराची की लेकिन ये जो आइडेंटिटी एकदम से शिफ्ट हुई और एक 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 वल्नरेबल एरियाज आगे बढ़े कच्ची आबादियाँ गैंग वॉर ये आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत थी इसकी और क्या अब जो कराची ऑपरेशन हुआ है इससे ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या अभी भी चीज़ें कहीं मौजूद हैं और वो किसी वक्त भी सामने आ सकती हैं आपके सवाल के आखिरी हिस्से से मैं प्रेफर करूँगा जवाब को देना कि जी अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ ऑपरेशन महसूस ये हो रहा है कि जो इनिशियली कोशिश की गई और बहुत मौसर तौर पर की गई अब शायद ये तासर पैदा हुआ हो कि अब क्योंकि इतना वक्त गुजर चुका है रेंजर्स है रेंजर्स के पीछे फौज है रेंजर्स और फौज नहीं शायद चाहते कि वही मुस्तकिल तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएं कराची के हाल के लिए और कुछ हद तक ये दुरुस्त तसव्वुर है क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस के साथ साथ इंतजामिया वो इंतजामिया मुंतखब हो और जिम्मेदार हो और बाइख्तियार भी हो लेकिन ये दो अहम मरहले पूरे नहीं हुए आपने देखा कि पुलिस और हकूमत सिंध के दरमियान तजाद जो चला हुआ है और आपने ये भी देखा जब इन मकामी हकूमतों का कानून बनाया गया तो इतना बेइख्तियार कर दिया गया है मकामी हकूमत को कि वो मौसर तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो पाती जी एग्जैक्टली उन्हें जो है वो अख्तियार दिया जाता फाइनेंस दिया जाता तो कम से कम पूछ तो सकते थे हम जाके भाई आप क्यों नहीं कर रहे काम एब्सोल्युटली और ये इससे हटकर के मेरी कोई हमदर्दी MQM के साथ नहीं है MQM का सियासी नजरिया जो भी है मेरा बिल्कुल एक मुख्तलिफ सियासी नजरिया है लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको वोट मिले हैं और उनमें एतमाद का इजहार हलकों में किया है और अक्सरियत उनकी है तो अगर अक्सरियत वो रखते हैं फिर उनका हक बनता है कि वो इस इंतजामिया को चलाने में मौसर हो सकें
लेकिन जो कानून बनाया गया है वो बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि कम से कम से 200 अगर दफा कानून में जिक्र है कि ये करेगी मकामी हुकूमत, उसके साथ इजाफन ये फिक्रा खतरनाक है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 96 टाइम्स ये जिक्र आता है। तो अगर आप हर कदम पर कहें कि नहीं जी, जब तक कि आप इजाजत नहीं लेंगे चीफ मिनिस्टर साहब का या वजीर साहब का या सेक्रेटरी का, आप ये नहीं कर सकते, तो ये फिर नामुमकिन बनाना है। आज भी कराची की बावजूद बोहरान के इस शहर में बहुत तख्लीकी तवानाई मौजूद है, चाहे वो आर्ट के शोबे में हो, सखाफत के शोबे में, सहाफत के शोबे में, हर जगह आप जाएं, ये बड़ा एक मुतहर्रिक शहर है और लोग इतने जज्बे के साथ नई नई चीज़ों को तख्लीक कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मुफ्त हस्पताल चला रहे हैं, हाँ, चाहे वो किडनी सेंटर हो, चाहे वो SIUT हो, इंडस हॉस्पिटल हो, दीगर, मैं तो नाम कितनों के लिए, LRB, इवन बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस हो, दीगर, माशाल्लाह, ये अगर ये होता कि यहाँ पर सिर्फ तबाही और तशद्दुद है, तो फिर ये किस तरह मुमकिन होता कि इतनी सारी तंजीमें पुर अमन अंदाज में लाखों लोगों की खिदमत हर रोज कर रहे हैं। तो ये दुरुस्त करना ज़रूरी है कि कराची असल में साथ साथ एक तरफ बड़ा एक पुरअमन शहर है, अजीब व गरीब शहर है, हमारे शहर में इंतहा पसंद और तशद्दुद पसंद करने वाले लोगों को पनाह मिली है, क्योंकि उन्हें इतने आसानी से मुख्तलिफ आबादियों में वो शेल्टर मिल जाता है, और बर वक्त जो पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को निशानदेही करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, तो ये वाकई में एक फेलियर है। लेकिन उसके बावजूद आप दूसरी नज़र से देखें, कितने सौ हजारों पुलिस वालों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इसी शहर में, आपको पता है, इसके बावजूद पुलिस का इमेज बेहतर नहीं हो सका। आई नो, न्यूयॉर्क से हम सीख सकते हैं सबक, न्यूयॉर्क में भी बहुत जुर्म बढ़ गया था, जराइम बहुत इजाफा हुआ, वहाँ पर उन्होंने फिर कम्युनिटी पुलिसिंग का फॉर्मूला एडॉप्ट किया कि मकामी आबादी को भी शामिल किया जाए, कानून नाफिज करना और कानून को मौसर बनाना। जब पुलिस और शहरियों को यकसां तौर पर शरीक किया गया उसमें, बहुत तेज़ी से जराइम के रेट न्यूयॉर्क में गिरने लगे, और आज का न्यूयॉर्क 25 साल पुराने न्यूयॉर्क से बहुत मुख्तलिफ, जैसे अंग्रेजी में फिक्रा है द बक स्टॉप्स हियर, यानी कि जिम्मेदारी आप किस हद तक भी हकूमत पर डालें, सूबाई हकूमत, वफाकी हकूमत, मुंतखब इदारे, पुलिस वगैरह, अल्टीमेटली जिम्मेदारी बनती है शहरियों की, हमारी जिम्मेदारी। और वहाँ क्या होता है, मकामी हकूमतों के इलेक्शन के वक्त सबसे कम रेट पर लोग निकलते हैं बाहर अपने घर से वोट डालने के लिए, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में बड़ा जोश और जज्बा। असल बुनियाद है हुक्मरानी की मकामी हकूमतें, और क्योंकि हमारे आईन में कोई पाबंदी नहीं है कि कब होने चाहिए ये इंतखाबात, ये पूरा निज़ाम ने उसको सबसे कम अहमियत दे रखी है। इसीलिए मेरी तजवीज़ है कि आईन में तरमीम कर कर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन से पहले होना चाहिए मकामी हकूमत, पहले वो हों और उसके बाद जाकर आप तय करें कि उसमें टाइम का फर्क आ जाता है कि 4 साल पूरे होने चाहिए, नहीं, वो, हाँ, पूरा नहीं, लेकिन इसीलिए तो आईनी तरमीम की जरूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनते भी हो सकता है। तो एक है कि शहरियों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत। बहुत खूबसूरत आपने विजन और आइडिया दिया है। अब आके 2017 के अंदर अब आप क्या सोचते हैं कि कैसा नजर आ रहा है कराची फ्यूचर में? कराची की एक अजीब कैफियत है, एक दफा इस शहर में रहने की गलती आपने कर दी, जी, जी। ऐसा इश्क हो जाता है, ऐसा इश्क कि इसका समझ में नहीं आता इस इश्क का क्या करें। आप जहां भी जाएं कराची की ऐसी याद आती है, कशिश आती है कि वापस कराची आने के बाद ही एक सुकून पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अजीब व गरीब जो कैफियत है, जो पाकिस्तानियत से भी ताल्लुक रखती है, कराची वाला होना और पाकिस्तानी होना और पाकिस्तान से मोहब्बत करना, ये दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़ी भी बात है। तो
यही हमारे सेल्वेशन या हल का राज छुपाए बैठा है। अब हमें तलाश करना है कि इस इश्क के अंदर कौन सी वो तवानाई हम हासिल करेंगे जो हमें रास्ते दिखाएंगे अमन कायम करने के लिए और एक दूसरे में एतमाद और इज्जत बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हम हैं इब्राहिम हैदरी में। जो हमारी आबी हयात है उसके अंदर दिन ब दिन कमी आती जा रही है। बाज़ सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सी फूड है उसमें 70% कमी आ चुकी है। नाज़रीन, आज हम हैं इब्राहिम हैदरी में। इब्राहिम हैदरी का ये इलाका आपको देखने से महसूस हो रहा होगा एक पसमानदा इलाका है। फिशरमैन की बस्ती है, समंदर साथ है और यहाँ रहने वाले फिशरमैन जो हैं वो इस समंदर के ज़रिए जो कि करीब ही है उस तरफ भी हम जाएंगे अपनी रोज़ी की तलाश में समंदर में जाते हैं। जहाँ एक तरफ समंदर है वहाँ दूसरी तरफ जानेब जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि एक कारोबार के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से कराची का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इलाके पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पर अब कैसे हालात हैं। कराची के मुज़फ़्फ़रात के जो इलाके हैं वो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कराची को तरक्की देनी है तो इन इलाकों को तरक्की देनी होगी और इन इलाकों पर तवज्जो देनी होगी क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने रोज़गार के लिए भी शहर जाना होता है और अगर कोई क्रिमिनल लोग हैं तो उनके लिए इन इलाकों में छुपना भी आसान होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप फुटबॉलर हैं यहाँ पे, हमें पता चला, महर अली इनका नाम है। तो कुछ इस इलाके के बारे में बताएं। ये माशाल्लाह इलाका बहुत अच्छा है, अमन अमान है और इस इलाके में माशाल्लाह टैलेंट भी बहुत है हर हवाले से। माशाल्लाह फिशरमैन कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं यहाँ के इलाके के बंदे और हम यहाँ के इलाकों के सिर्फ मसले मसाइल थोड़े कुछ हैं उनको उन मसले मसाइल ही हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो क्या हैं? अच्छा, ये हमारे मतलब ये मसले मसाइल के यहाँ की स्ट्रीट नहीं बनाई जाती, रोडें नहीं बनाई जाती क्योंकि यहाँ से मछलियाँ जाती हैं फिशरी कराची में निकलती हैं तो यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ पर ही मछलियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं और यहाँ के गटर खुले हुए रहते हैं, हर गली में जाओ गटर खुले हुए हैं और इनको कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और यूथ एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं, कमर, जो कि इस इलाके में काम कर रहे हैं। जी कमर, क्या कहेंगे आपके, क्या मसले हैं इस इलाके के, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पे रोड्स वगैरह का है, उसके अलावा सीवरेज का यहाँ जो प्रॉब्लम है, देखा जाए तो हर गली में और हर मोहल्ले में पानी की निकासी का कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं है और ना ही मेरे ख्याल से कि हुकूमत का ध्यान इस तरफ जाता है कि यहाँ पर रोड्स वगैरह। यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, बल्दिया की गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है क्या? बल्दियाती इंतखाबात भी होते हैं और हुकूमत भी मौजूद है, इलाके के काउंसलर भी मौजूद हैं, सब कुछ है यहाँ पे भी, बट इसमें इन लोगों के ये है कि यहाँ पर रोड। समझते हैं कि अगर यहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जो कि हमें मालूम हुआ है कि स्कूल की बुनियादी सहूलत, अस्पताल की बुनियादी सहूलत, स्पोर्ट्स के ग्राउंड की बुनियादी सहूलत नहीं है तो फिर यहाँ के बच्चे और यहाँ के नौजवान जो है उनका क्या मुस्तकबिल है? देखा जाए तो मुस्तकबिल तो वैसे तारीकी नज़र आता है, जिस तरीके की इलाके की हालत है उस लिहाज से अस्पताल ना होना, स्कूल ना होना और सड़कें कच्ची होना, खेल के ग्राउंड ना होना, मैदान ना होना, जिसकी वजह से ना बच्चे खेल सकते हैं, ना प्रॉपर इलाज हो सकता है, ना प्रॉपर तालीम मिल सकती है उनको, तो इस लिहाज से ऐसे इलाकों का मुस्तकबिल तो तारीकी होता है। यहाँ पे क्या तनासुब है बच्चों का स्कूल में जाने का, लोग जाते हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं स्कूल जाते हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह की कुछ अपॉर्चुनिटी सहूलत नहीं है तो इसीलिए मजबूरी तौर पर वो कुछ जो जिनके पास कुछ पैसे हैं, अच्छी अच्छी जॉब वाले हैं, उनके बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। कराची का जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, उससे चंद मिनटों के फासले पर एक दुनिया, एक शहर बदल जाता है।
तो हम ये मेन बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे आप यहाँ की दीवारों को देखकर, यहाँ की सड़कों को देखकर, यहाँ के बच्चों के कपड़े, उनके जूतों को, उनकी चप्पलों को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, उनकी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे किस जगह पर है। तो इस जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बेइंतहा ज़रूरत है, और ये सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बेइंतहा ज़रूरत है। हम अब चलते हैं, यहाँ का इस इलाके का जो रोज़गार है वो समंदर से वाबस्ता है, तो समंदर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं इब्राहिम हैदरी की बंदरगाह पर, और आप देख रहे हैं कि पीछे फिशरमैन एक बड़ी तादाद में उनकी कश्तियाँ मौजूद हैं। कुछ इंतजाम तो बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फरमाइए जनाब, क्या हाल है इस बंदरगाह का? बंदरगाह का आपके सामने ही हाल है। ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, पोल्यूशन भी बहुत है और गंदगी भी बहुत है। दूसरा, ओवरऑल जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए और नहीं दे पा रही है, जो ममनुआ जाल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जिनकी वजह से जो हमारी आबी हयात है उसके अंदर दिन ब दिन कमी आती जा रही है। बाज़ सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सी फूड है उसमें 70% कमी आ चुकी है। दूसरा ये कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के करीब ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है, तो उसका भी जो हम देखते हैं कि ऑयल वगैरह है या उसका जो गार्बेज है या बहुत सारा मटेरियल है, वो सब भी समंदर में जा रहा होता है, तो उससे और क्या क्या चीज़ें समंदर में जा रही हैं, उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे ज़ाहिर है समुद्री हयात को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। जैसे आप देख लेंगे पूरे मैंग्रोव्स को भी नुकसान पहुंच रहा है, को लोग गैर कानूनी तौर पे काट रहे हैं उससे भी, क्योंकि जो झींगा वगैरह है वो वहाँ आके उसकी वो अफजाइश होती है। और देखें पूरे कराची का कचरा जो है ना मुख्तलिफ नदियों के ज़रिए समुद्र में आगे गिर रहा है। जितने किनारे या करीब छोटे माहीगीर जो हैं ख़ास तौर पर जो किनारों के करीब करीब अपना रोटी रोज़ी कमाते हैं, वो इंतहाई बुरे हाल में। मुझे एक बात बताएं सर कि जिस शहर में इंसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, तो क्या वो आबी मखलूक के बारे में शहर में सोचा जा सकता है? वो आपकी बात सही है, लेकिन आबी मखलूक से हज़ारों ख़ानदान रिलेटेड हैं। ये तकरीबन इब्राहिम हैदरी जो गोट है, हम 300-400 साल कदीम इसका जिक्र हिस्ट्री के अंदर मिलता है। ये माहीगीरों की आबादी है और ये लोगों की इसी से इनके ख़ानदान, इनकी रोज़ी रोटी वाबस्ता है। मैं ये बात और बताना चाहूँगा कि ये कदीम तरीन बंदरगाह है कराची की, और एक वक्त में तो ये बड़ी बंदरगाह के तौर पर पहचानी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि और इससे बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं तो इसकी थोड़ी अहमियत कम हो गई है। लेकिन इन्होंने जो बात की वो जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मसला है, और उसके अंदर जो है आबी जो हमारे आबी जो जो ये समंदरी जो जो जानवर हैं इनके हवाले से बहुत सारे सवाल उठते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी आप देखते हैं कि एक सवाल उठाया गया है कि इनका ख्याल किया जाए, और यहाँ पर जो कि रोज़गार का ज़रिया भी है, तो अगर ये इस तरह से इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर ये आबी मखलूक जो है ये ख़त्म हो जाएगी, एक वक्त आएगा और ये मछेरे जो हैं इनके रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा, और हम इस प्यारे समंदर के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। बेसिक एजुकेशन के जो इशू हैं, हेल्थ के जो इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, और उसके अलावा इंसाफ, जो लोगों को सस्ता इंसाफ मिलेगा, जस्टिस अगर आपको मिलना शुरू हुआ, गवर्नेंस सही होगी, जस्टिस सही मिलेगा, पुलिसिंग सिस्टम आपका सही हो, आपने इंडिपेंडेंट कर दिया पुलिसिंग को, आपको लॉ एंड ऑर्डर सही मिल गया, जस्टिस आपको सही मिल गया, हेल्थ मिल गया, एजुकेशन मिल गया, ऑटोमेटिक दीज आर द रूट कॉजेज। नाज़रीन, कराची की बात करने हम आए हैं अमीन हाशवानी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अमीन हाशवानी साहब पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, एक सोशल वर्कर हैं, और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी की जो मूवमेंट है आई एम कराची, उसके प्रेसिडेंट हैं। अमीन हाशवानी साहब, मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में आपने कहा था, और मैंने आपके उस जुमले को लेके अक्सर मैंने उसको दोहराया भी है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ जगहों पर, कि हिस्ट्री जो है वो शहरों की होती है और शहर जो है वो मुल्कों से ज़्यादा अहम होते हैं। क्यों कहा था आपने, क्या वजह क्या था? देखिए, ये जो नेशन स्टेट स्ट्रक्चर है ये लास्ट समझे 200 साल का है। इससे पहले एम्पायर्स होती थी, राइट? और एम्पायर्स को भी जब भी आप करेंगे, या अर्बनाइजेशन जब भी हुई थी, जब सेटलमेंट हुई थी ना, ह्यूमन सेटलमेंट सिटीज़ में हुई थी, तो इसके लिए मैं अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कायरो जो है इट्स ओल्डर देन इजिप्ट, राइट? अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर के टाइम का है, राइट? इट्स ओल्डर देन इजिप्ट। कराची इज़ ओल्डर देन पाकिस्तान, राइट? सिमिलरली आप देख लें ग्रीस, एथेंस है,
एथेंस इज ओल्डर देन ग्रीस, ठीक है। तो नेशन स्टेट स्ट्रक्चर्स, ये तो सिटीज की इम्पोर्टेंस जो है हमेशा रही है हिस्टोरिकली, ठीक है। एम्पायर्स भी जब थी, आप बात करेंगे बगदाद की, आप बात करेंगे इस्तांबुल की, राइट। सो ऑल दो सिटीज वर वेयर द सेंटर वॉज। और ख़ास तौर पर अभी अभी अगर आप देखें, पाकिस्तान के लास्ट सेंसस भी आए, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ इज इन सिटीज़, और ये ट्रेंड चलते जाएगा अर्बनाइजेशन का। तो अभी ग्लोबली भी सिटीज़ का जो रोल है ना, वो अब ज़्यादा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते जाएगा, और जो नेशन स्टेट स्ट्रक्चर है ये थोड़ा डाइल्यूट होते जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा मैं पेरिस अग्रीमेंट से मैं साइन ऑफ मैं निकल रहा हूँ, अग्रीमेंट इन्वायरमेंट की जो थी उनकी। जितने भी अमेरिका में जितनी सिटीज़ के मेयर्स हैं, उन्होंने बोला नो वी विल इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो पहले होता था कि यूएस प्रेसिडेंट की बहुत एक था, यू नो लाइक किंग की तरह वो दिखते हैं। अब क्या है, अब उसकी पावर्स जो है डाइल्यूट हो गए सिटीज़ में, कहते भाई वी डोंट अग्री विद द प्रेसिडेंट, वी विल गो अहेड विद आवर थिंग, राइट। सो सिमिलरली सिटी मेयर्स की, सिटी काउंसलर्स की, लोकल बॉडीज़ की ग्लोबली, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ या कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्लोबली ग्लोबली ये एक ट्रेंड आ रहा है कि सिटीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिक हब बन रहा है, एंड पाकिस्तान कराची विल बी वन ऑफ द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की या टोक्यो की बात करें या इवन पेरिस की या लंदन की बात करें, तो एक कॉस्मोपॉलिटन और यानी मेट्रोपॉलिटन एक सिटी है, उनकी अपनी पुलिसिंग से लेकर और लोकल गवर्नमेंट, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है रेदर देन अदर कंट्री। एब्सोल्युटली, एंड उसमें अगर आप देखें, आप लंदन के मेयर को आपको पता है उसका नाम क्या है, राइट। न्यूयॉर्क के मेयर का देख ले, ब्लूमबर्ग था, ये था, ये सब दे ऑल नो। सो दीज आर ऑल वेरी, मेयर्स आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट बिकॉज द जो उनकी जो गवर्नेंस है, इकोनॉमिक पावर उधर ज्यादा आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कराची में ऐसा नहीं है। दैट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दिस विल गेट सॉर्टेड आउट। दिस इज पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स और ये नेशन का, इंस्टीट्यूशंस का ये पावर प्ले होता है। इवेंचुअली ट्रेंड जो है ना, वो इवेंचुअली इट विल गेट सॉर्टेड आउट। फरमाएं कि ये फोकस होके बात करना कराची की, जैसे हम भी एक फोकस होके प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम कराची की बात कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है कि फोकस होके बात की जाए और आप शहरों पर फोकस करें और शहरों पर बात करें। कराची का जहाँ तक एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी है, लाइक विद ऑल अदर सिटीज, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपको अपनी रिसोर्सेज आपका एलोकेशन करनी है ना। आप देख जाएंगे स्ट्रीट पे तो सब कह रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। दिस इज़ अ गवर्नेंस प्रॉब्लम, एंड कराची में मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। अगर आप गवर्नेंस अगर आप सही कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएगी। और कराची एक यूनिक सिटी नहीं है, आप वाशिंगटन डीसी आप चले जाओ, वहाँ क्राइम रेट वॉज मोर देन कराची। न्यूयॉर्क सिटीज़ आप देख लें 80s में, वहाँ इट वॉज मच मोर देन कराची। इश्यूज़ वहाँ क्या था, वहाँ मेयर्स अच्छे आए, कोमो आया था न्यूयॉर्क में, एडकॉक आया था, उसके बाद उन्होंने आके गवर्नेंस सही की, पुलिसिंग सिस्टम उन्होंने सही किया, उसको इंडिपेंडेंस दी, मेरिटोक्रेसी लाई, करप्शन उन्होंने कम की, ऑटोमेटिकली आपकी क्राइम रेट चले गया, नीचे चले गया, स्ट्रीट सही हो गई। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मिसालें कराची पर भी फिक्स हो सकती हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देयर इज नो एक्सेप्शन। यहाँ की जो डायनेमिक्स हैं और जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, और खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर शहरों का एक सिस्टम, फिर इंतखाबात, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक फ्रस्ट्रेशन लेकर आती हैं यहाँ के शहरियों में। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि आपको प्रोसेस को आपको आगे ले जाना है, या तो आपसे ग्रम्बल करे घर पर बैठ के, या इलीट है सिगार पिए और गोल्फ कोर्स पे जाके क्रिटिसाइज करते रहे, या आप यू रोल अप योर स्लीव एंड आप काम करें। सिविल सोसाइटी जिसमें आप आते हैं और जिसको आप लीड भी करते हैं, उसका एक रोल जो कराची में बहुत ज़्यादा होना चाहिए था अब माजी में, वो कुछ कम रहा। अभी आई एम कराची की सूरत में या कुछ दो चार पाँच सालों के अंदर ये दोबारा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सोसाइटी? अगर आप पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फिलैंथ्रोपिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स GDP, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 1.8% हेल्थ पे करती है, स्पेंड करती है, 2% से कम एजुकेशन पे करते हैं, तो हालात एक्चुअली बहुत बुरे होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप जाएं तो इतने बुरे नहीं। देयर आर मेनी अदर हॉस्पिटल्स चले जाएं, बन रही है, वी आर वेरी काइंड हार्टेड, राइट। तो ये ज़रूरी है टू गिव
मनी और हम देते हैं, इट इज़ कमेंडेबल, आई थिंक ज़बरदस्त. लेकिन इसके साथ आपको एज एन एक्टिव सिविल सोसाइटी मेंबर भी बनना ज़रूरी है. यू हैव टू होल्ड आवर लीडर्स अकाउंटेबल. सिविल सोसाइटी का फरमाएं कि ये जो एक सिविल सोसाइटी दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक प्रेशर ग्रुप का रोल भी अदा करती है और बड़ी एकदम से मूवमेंट निकलती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ख़ासतौर पर लंदन में हमने जैसे देखा. तो कराची की जो सिविल सोसाइटी है वो किस जगह पर है, उसका कोई रोल है या वो कोई लेजिस्लेशन के अंदर या प्रेशर ग्रुप के तौर पे या कराची के इशूज़ को मनवाने में कोई रोल अदा कर सकती है? हम बरादरी पर या तो हम वोट देते हैं या हम एथनिसिटी या प्रोविंशलिज्म पे हम देते हैं या रिलीजियस लाइंस पे हम वोट देते हैं, राइट? हम या तो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है ना पार्टी के, मैं अगर पीपीपी का जाला हूँ तो बस मैं जाला हूँ, या मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ तो भाई इमरान खान कुछ जिंदगी में कुछ गलत चीज कर ही नहीं सकता है, right? लेकिन शिफ्ट इज नॉट इनफ. एंड मसला ये है मेरा, हमें जो है हमें वोट देना चाहिए इशू बेस पे, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, ओके, हमें इन चीजों पे हमें देना पड़ेगा. प्रोसेस भी जब चलता रहेगा तो फिर भी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी. ये जो गैप भी आ जाता है ना 10 साल का, ये रिलीफ मिल जाता है पॉलिटिशियंस को, फिर वो मजलूम बन के सामने आ जाते हैं. आमतौर पे लोग ये काइंड ऑफ कहते हैं कि बीच में मिलिट्री का आया तो हमें डेमोक्रेसी का चांस नहीं मिला. फॉर मी दिस ऑल बहानेबाजी. I don't agree with this. लेकिन continuous अगर process चलता रहे, अगर चले बीच में accountability आएगी. अगर जरूरी नहीं है, देखिए डेमोक्रेसी है ना, प्रोसेस अगर चल रहा है आगे, जरूरी नहीं है कि प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है? और दूसरी कंट्रीज में वहाँ जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ गलत डायरेक्शन भी चली जाती है. तो आपकी गवर्नेंस आपको सॉलिड रखनी पड़ेगी. और हर सोसाइटी में, हर शहर में पॉजिटिव एलिमेंट भी होगा, नेगेटिव एलिमेंट भी होगा. सिविल सोसाइटी को बहुत ही प्रोएक्टिवली उसका करना पड़ेगा एंड वर्क विद द गवर्नमेंट. हम सिर्फ गालियां देके क्रिटिसाइज करके गवर्नमेंट, दैट विल नॉट हैपन. वी हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, बी इट द बिजनेस कम्युनिटी, बी इट द सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, हमें साथ मिलके हमें माहौल बेहतर होगा, बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज और लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, बेसिक एजुकेशन के जो इशू हैं, हेल्थ के जो इशूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, और उसके अलावा इंसाफ, जो लोगों को सस्ता इंसाफ मिलेगा, तो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी. ये सब गवर्नेंस आएगा. जस्टिस अगर आपको मिलना शुरू हुआ, गवर्नेंस सही होगी, जस्टिस सही मिलेगा, पुलिसिंग सिस्टम आपका सही हो, आपने इंडिपेंडेंट कर दिया पुलिसिंग को, आपको लॉ एंड ऑर्डर सही मिल गया, जस्टिस आपको सही मिल गया, हेल्थ मिल गया, एजुकेशन मिल गया, ऑटोमेटिक दीज आर द रूट कॉजेज. जो लोग नहीं जानते कि आई एम कराची क्या है तो उन्हें कैसे आप बताना चाहेंगे? हमारे तीन एस्पेक्ट्स है. एक तो है कि चेंज द डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स, जो हम बात करते हैं ना इश्यूज पे, मैं बात करता हूँ कि इश्यूज पे आना चाहिए. द अदर थिंग इज क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस. ना वो अगेन मैंने कहा कि माहौल अगर आप चेंज करें, रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस. तो जैसे वॉल्स हमारे प्रोजेक्ट है जहाँ हम दीवारों को पेंट करते हैं एंड बहुत ही कमेंडेबल है कि कोई भी ग्रफिटीज अब उस वॉल्स पे नहीं रखता है. प्रेस क्लब पे हमने जब किया था वहाँ ग्रफिटी हुई थी, ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था और उन्होंने ही, उधर जो आर्टिस्ट आए उन्होंने ही साफ करके किया. तो दोस्त का अभी भी समटाइम आई काम समटाइम लगे था बट लेकिन जुमला क्या जाए कि कराची की दीवारें बोलती हैं, अब तो बोलती हैं. सो रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस है, चेंजिंग पब्लिक डिस्कोर्स है एंड ब्रिंगिंग स्टेक होल्डर्स टुगेदर. जैसे तो हम हमेशा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे कि मेरी तस्वीर आवे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आने जाए. वी आर सेइंग इट हैज टू बी कोलैबोरेटिव. जब भी मैं अमीन आशवानी साहब से मिलता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ. जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कराची से, इंशाल्लाह कराची प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और उसमें हम सबको अपना रोल अदा करना होगा. अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी हैं, मेरे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी मुल्क में सेटल होने की, लेकिन सिर्फ एक जिम्मेदारी महसूस करके यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं इस शहर के लिए, तो हम अपना रोल अदा करेंगे. तो इसी तरह कराची में रहने वाला हर शख्स जो है वो अपना रोल अदा करे जिस जगह पर भी है तो कराची बेहतर हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. कराची के हीरोज कराची के हर इलाके में मौजूद हैं. मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लोग कराची की खिदमत कर रहे हैं. हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनका जो कारनामा है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं. अगर आप किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए. हम चाहते हैं ऐसे हीरोज को मीडिया पर लेकर आएँ, दुनिया को दिखाएँ. रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. कराची की बात देखते रहिए. इस वक्त हम हैं मंगोपीर के इलाके में.
जो जर्नलिस्ट हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कराची के अमन के लिए, कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये भरा शहर कभी मुझ में सिमट आता है, कभी मैं शहर में हर गाम बिखर जाता हूँ। शहर से रहती है एक जंग मुसलसल दिन भर, शहर जब हाँपने लगता है तो घर जाता हूँ। नाज़रीन, कराची में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं में से एक इदारा SOS चिल्ड्रन विलेज है।